স্বামী লাগে অমন কুমার, এটা আমার দোষ লাগে। এন্ড গুড ইভিনিং গাইস, এন্ড মে থোড়া দের বাদ কাম সে আয়া এন্ড অভি ফ্রেশ হোকে ইধর মে নিকলা কহীঁ শাম কা টাইম মে ঘুমনে কে লিয়ে। ইধর মে অমন কুমার, ইধর দেখ রে ভাই, ইধর মে অমন কুমার এন্ড ইধর মে হে রোহিত। তো হাম লোক তিন লোক বস শাম কা টাইম মে এসে কহীঁ ঘুমনে যা রা হ্যায়। এন্ড ইধর পে হে স্কুল, এম স্কুল মে সিক্স সেভেন এইট ক্লাস স্কুল সে পড়াই করকে হাই স্কুল গয়া থা। তো ইধর মে হে ব্যাক সাইড সে গিয়ে রা, ইধর পে বাথরুম হে, বাথরুম কা ভি ডেঞ্জারাস হো চুকা হে, ব্যাক সাইড সে ইস তরহা। এন্ড ইয়ে হে প্লে গ্রাউন্ড, ওর আভি আপ লোগো কা আগে সে দিখা লুঙ্গা। এন্ড আগে মে জাতে হাম লোগ শাম কা টাইম মে কুছ মস্তি করনে, চিল করনে। তো ইধর সে ইস সাইড সে কুছ ইস তরহা স্কুল। এন্ড আগে সে মে আপ লোগো কো দিখা লুঙ্গা। एंड देन ये स्कूल कुछ पीछे से इस तरह का है। एंड अभी आगे जाके आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। एंड ये जो है किचन, किचन है स्कूल का किचन। दिस इज द स्कूल, और ये रहा स्कूल जिस स्कूल से मैं पढ़ाई करके हाई स्कूल गया था। एंड ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये कोरोना टाइम में जब, एंड गाइस ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये जब थोड़ा दिन पहले कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए जब सरकार ने बोला था तब लोग आकर एक एक मीटर का दूर में इस तरह का था, इसी तरह का खड़ा था और वैक्सीन लेने के लिए अंदर गया था। एंड इधर में एक नया स्टेट बन रहा है, तो अभी से कुछ अगर फंक्शन होने से हम लोग को यहीं पर फंक्शन देखने मिलेगा उधर पे स्टेट। एंड अभी हम लोग आगे चलते हैं पाटकाई, पाटकाई तरफ चलेंगे हम लोग तीन लोग। एंड अभी आप लोगों को मैं दिखाता रहूँगा। एंड ये मेरी स्कूल आगे से कुछ इस तरह का है। ये स्कूल का नाम है बापूडी गगोई मध्य इंग्रजी विद्यालय। एंड देन इधर पे है स्टेट जो नया बन रहा है अभी। तो एंड गाइस अभी हम लोग ये जो ब्रिज है थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है वो, ये ब्रिज का मैं वीडियो बना चुका हूँ। और इधर में जेसीबी का कुछ काम चल रहा है। तो हेलो गाइस, शाम पार्ट के आसपास पहुँचने वाला हो चुका है जो बंजर। एंड गाइस अभी शाम होने वाला है और इधर में चाय बागान देखिए, चाय बागान में पत्ता बहुत सुंदर हुआ है। एंड एंड गाइस अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं ब्लॉग शूट करने के लिए मोबाइल का कैमरा ऑन कर रहा था तब मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। और मोबाइल का हालत क्या हुआ आप लोग देखिए, जो मेरा मोबाइल का किनार में बैक करने वाला बटन होता है उसका सामने नीचे ये देखो बीच रोड। एंड इसमें मोबाइल ऐसे करके हाथ से ऐसे पकड़ा था तो ऐसे करके छूट गया और यहाँ में गिर के नीचे गिर के बैक करने वाला बटन का सामने स्क्रीन स्क्रैच हो गया। तो स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आप लोग एंड क्या करें, अभी नया मोबाइल लेने के लिए मणि नहीं है तो अभी चलते हैं आगे। एंड गाइस वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा। एंड चैनल पर जो नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड ये जो जगह है काफ़ी डरावना, सब तरफ ये जो बेम्बो पेड़ है बेम्बो ट्री, तो सब तरफ ये तो अंधेरा अंधेरा है कुछ। एंड थोड़ी 100 मीटर का अजीब सा घटना होता है यहाँ पे कभी कभी। एंड सुना है कि यहाँ पे भूत भी निकलता है। एंड 100 मीटर आगे पटका स्टेट, तो अभी हम वहाँ चलते हैं एंड आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा है कैसा नहीं। एंड गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पटका है, और इधर में है सर्वोदय स्कूल, सर्वोदय हिंदी स्कूल, हिंदी हाई स्कूल। और पटकाई का आज का माहौल कुछ बहुत शांत, क्योंकि अभी तो 4 बजे तक लॉकडाउन खुला, उसके बाद 4 बजे के बाद लॉकडाउन लग चुका है।
एकदम फुकराटे होते हैं। ये दुनिया का सबसे अकड़ा आदमी गजब बेइज्जती क्या कर रहा है देखिए, दुनिया का सबसे अकड़ा आदमी। हम लोग पाटकाई पहुंच चुके हैं वोरा, एंड दिस इज द पाटकाई। इधर मैं पाटकाई गेट वोरा थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, एंड वो है स्टेट, वो है स्टेट। एंड गाइस ये जो पीछे गाड़ी दिखाई दे रहा है ये शायद नया नया गाड़ी चलाना सीख रहा है, इधर उधर सांप जैसे लेके जा रहा है। तो इधर में है पाटकाई, ये रहा उधर में पाटकाई गेट, एंड ये जो है एंड ये जो घर है ये अगर यहाँ पे कुछ फंक्शन होने से, स्टेट पे फंक्शन होने से जो भी बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग आते हैं तो उन लोगों को यहाँ पर रखता है। एंड अभी तो ये काफ़ी गंदा है, एंड अभी तो ये घर काफ़ी गंदा है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ ऊपर जाके। पहले जब फंक्शन होता था तो बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी या फिर बड़े लोग आते थे तो इन लोगों को यहाँ पर रेस्ट हाउस है रेस्ट करता था। अगले आप लोगों को दिखा देता हूँ अंदर से किस तरह का है ये घर कुछ इस तरह का। एंड यहाँ से इस तरह का कुछ है ये रेस्ट हाउस। बाहर से तो काफ़ी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, और अंदर में देखिए क्या ही बोलूँ, अंदर में कुछ इस तरह का इधर में देखिए काफी गंदा है ये रूम। गाइस यहाँ पे जितना भी रूम है सभी रूम गंदा है, सिर्फ बाढ़ में थोड़ा कुछ साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए काफी गंदा है सभी रूम। उधर में है पटका स्टेट। अभी शाम होने वाला हो गया तो हम लोग अभी पटका स्टेट तरफ नहीं जाएंगे, तो यहीं से घर चलेंगे। एंड तो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, एंड वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और वीडियो को शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड बाय।